रल के तौनी लाओ जेड़ा करदा सीना जोरी है, रल के तौनी लाओ जेड़ा करदा सीना जोरी है, तोड़ अपड़े जाना अपड़े, मैं तां गल चा तोरी है, कुड़ियां वंगा ला सुटियां ते झप लईयां ने मुंडिया ने, बाबा तू ही चुप कर जा जे खच बाला ने भोरी है, खाना पीना ते मर जाना मकसद ते नहीं जीवन दा, खाना पीना ते मर जाना मकसद ते नहीं जीवन दा, जिसनू पीड़ नहीं किसे दी ओ मिट्टी दी बोरी है, निरियां गजलां नाल बुखारी भुखा ढिड ना भरदा है, निरियां गजलां नाल बुखारी भुखा ढिड ना भरदा है, मूँह भन दिता प्यार ने हुण तां रोटी मंगदी गोरी है, मूँह भन दिता प्यार ने हुण तां रोटी मंगदी गोरी है। ये लाइना ने जी तनवीर बुखारी शायर होए ने उन्हां दीआं लाइनां ने, इन्हां लाइनां नाल मैं हाजर हाँ जगतार सिंह जग्गी। सब तो पहला जस पंजाबी देखने वाले ते पंजाबी माँ बोली नूं प्यार करने वाले प्यारे प्यारे पंजाबियों नूं मेरे वल्लों हमेशा की तरह प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, अदाब, सलाम, हैलो हाय ते नाल दी नाल बहुत बहुत निघा स्वागत जी अज्ज दे इस लाइव शो दे विच। लाइव शो की गल करिए तो एक बार फिर हाज़र कैलीफोर्निया की गल कर लीए थोड़ी जी, तो मीह सुख नाल वाहवा पिया दो दिन जिहदी जरूरत बड़ी सी कैलीफोर्निया दे विच। सो मीह की जिहड़ी चंगी गल यह है कि कैलीफोर्निया दे विच डिमांड सीगी सेव वाटर की बहुत गल की जाती सी, घरां नूं पानी जिहड़ा है घरां दे विच नहीं ला सकते सी, अजे घर हालांकि सर्दियां शुरू हो गईयां, टाइम जिहड़ा बन्निया उदों ही ला सकते सीगे। सो मीह पिया, थोड़ी थोड़ी ठंड वधी आ, पर मैनू लगता हजे ईस्ट कोस्ट नालों जां गल करिए उधरलियां स्टेटां जिहड़ियां बर्फ वालियां ने उहनां नालों तां ज़्यादा नहीं वधी, पर ठंड थोड़ी जी जरूर होई आ। उम्मीद करते हैं जी सारे जने आपो अपना ध्यान रखोगे, रखना चाहिए, रखना पैना ते बहुत, नहीं तो कम औखा है, ठंड जिहड़ी जे लग जाती है फिर छेती छेती सूत नहीं आउंदी, ते बाले लोगों अज कल ठंड लगन तो बाद बुखार बखूर जिहड़े हुंदे ने ते उहदे विच कोविड पॉजिटिव काफ़ी लोगों आ रहे हैं, जिहड़े साडे जान पछाण दे ने वी ने, किसे नूं फोन करिए। चलो ये एक चंगी गल हैगी आ कि कोविड का कोई बड़ा नुकसान उस तरह नहीं है जिस तरह का पहला हुंदा सी, जे तुहाडे टीके टूके लगे आ सारे तां जानी नुकसान जिहड़ा वो नहीं किते हो रहा, सिर्फ बुखार बखूर हो रहा, उदू बाद बंदे ठीक हो रहे हैं, पर फिर भी गल शुरू हुंदी कहिंदे जिथों उत्थों ही जे दब लईए तो कम सूत आ जांदा, ठंड तो शुरू हुंदी है, ठंड अक्सर बहुत सारे लोगों नूं आदत है, मैं उन्हां दे विच शामिल नहीं हाँ, कि बहुत सारे लोगों नूं आदत है वी घरे वाहवा हीट पूरी छड के रखनी ते बाहर निकल पैना, टी शर्ट पाई होनी है ते जे मैं भज के मेल देखावां ते मेल देखण जाणा ते उदों वी ठंड लग जाणी है। गड्डियां दे विच हीट लाउण दी बहुत सारे लोगों नूं आदत है बहुत वड्डे पद्धर ते, उह वी जदों फिर गड्डी दे विच्चों बाहर निकलदे ने तो जदों गड्डी तो पार्किंग तो ते तुसीं आपदे दफ्तर जां घर तक आउणा उन्ने जी कम हो जांदा। सो ध्यान रखण दी बहुत ज़्यादा लोड़ हैगी है जी, ठंड तो बचा दी बहुत ज़्यादा लोड़ हैगी है। बाकी महीना जिहड़ा इह हैगा दसंबर दा गां शुरू हो जाएगा जी, साडे सिख इतिहास दे विच सिख कौम दे विच बहुत ही सत्कारयोग महीना, बहुत सत्कार दे नाल नाम लिया जांदा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पूरे परिवार की कुरबानी जिहड़ी आ लासानी कुरबानी इस दसंबर के महीने के ही हुई सी, 21 तो 21 दसंबर तो लैके गल करिए 28 दसंबर के पूरे परिवार ने कुरबानियां देती शहीदियां पा लिया सी। पंजाब की थोड़ी जी गल कर लीए तो नाल हरियाणा लगता पंजाब के गवांढियां की भी गल कहिंदे कदे कदे कर लेनी चाहिए आ, तो गवांढ चंगा होवे ते बाले रिश्तेदारां दी लोड़ नहीं हुंदी, गवांढ माड़ा होवे तो भावें लख रिश्तेदार चंगे होण तो जदों कम आउणा हुंदा गवांढां ने आउणा हुंदा। तो गवांढ की गल करिए तो गवांढ का एक बड़ा वधिया रुझान हुंदा सीगा पंजाब दे विच, बड़ा वधिया मिठा जिहा रिश्ता हुंदा सी आंढ गवांढ का, कदे चीनी किसे को लैण मोगी कौली चीनी लैण दी, जदों फिर शहरों लै आउंदी तो वापस मोड़ती है, कदे हल्दी कदे भैणे दही दो गठे दही, जिहड़ा मैं गया होया तां पप्पू दा पापा लैण ते आउंदा ते मैं तैनूं मोड़दी हाँ, तो वो एक वक्री तरह का प्यार मुहब्बत जिहड़ा हुंदा सी देखण नूं मिलदा। तो साडा पंजाब दा गवांढी मुल्क हिमाचल है, हरियाणा भी है सुख नाल उदां, तो हिमाचल दे विच तुहानूं पता ही है सारिआं नूं कांग्रेस ने बाजी मारी सी, सुखविंदर सिंह सुखू मुख्यमंत्री बने, नाम सुखविंदर सिंह पंजाबी नाम आपां नूं पता ही है, तो वैसे हिमाचल के ही रहने वाले ये, पर एक नावां दी जे गल करिए कि निकनाम रखण लगे असीं सोचदे नहीं न्याणे दा जां साडे माँ बाप कह लो जां कोई निकनाम इहो जिहा रखणा, जदों बंदा वड्डा हो जांदा खास बहुत वड्डे अहुदे ते पहुँच जांदा उदों फिर बड़े कई वारी अजीब जे लगदे नाम इदां दे, सुखू कुकाकू बिल्लू बिल्ली काटो कीड़ी इहो जिहे नाम न्याणे दे कुड़ियां दे रखदे पुट दे ते बाद दे विच जो वड्डे होए बड़े औखे लगदे आ। सो सुखू नाम इहनां दा निकनाम हो सकदा, इहनां ने सहुं चक लई आ।
जगमीत बराड़ अकाली दल ने बाहर कढ़ता, ये भी खबर हुण तकरीबन पुरानी हो गई है। तो नाल दी नाल नवी खबर दो तीन नवीं खबर, ब्याह जिहड़े सी लोगों के ब्याह दे विच चाह हुंदा जी बड़ा, ब्याह मेहमान कट्ठे हुंदे ने भी चलो बैठांगे खावांगे पीवांगे। हुण पहला तो पंजाब ने खावांगे खावांगे पीवांगे तो भंगड़े पावांगे ढोल ते डीजे ते, तो पहला तो पंजाब सरकार ने जिहड़ा हुक्म दिता भी वह भाई खावांगे तक तो ठीक है, पीवांगे वाला अगर कम हुंदा तो उस बाद गड्डी चलाउंदे हुण तो फिर भाई चलाउण लई तैयार रहो। बहुत सारे लोग पंजाब दे विच जनानियां दीआं मिन्नतां करदे दिख गए ने, भागवान ने तू गड्डी सिख ला, वो कहती मैं गड्डी कद बस मेरे को स्कूटरी हैगी, मैं जिन्ना क काम मैं करना होंदा इत्थे नेड़े तेरे जाना होंदा जिथे मेरी स्कूटरी हैगी टॉप दी मेरे को आराम नाल, मैं तां उत्थे जायो नहीं है। वो कहता नहीं नहीं सिख ला गड्डी, सिख सिख गड्डी कोई नहीं, गड्डी आपां होर भी लै लाँगे तू ये भी चला लिया करी गड्डी सिख। वो जदों विचों बाद च भेद खुल्लिया फिर यही खुल्लिया भी जदों कितें भाई पार्टी पूटी ते जाणा उदों ही चला तो लिया करेंगी, जांदे होए तो मैं चला लिया करूँगा। कहण तों भाव आ जिहड़े विआहां दा मज़ा पंजाब दा, वो पहलां पंजाब सरकार ने इउं कह सकदे आ बंदियां वास्ते खाण पीण वाले वास्ते बाहले लोग तो जांदे ही इसे काम है, तो बाद च गड्डी जिहड़ी उन्हां नूं चलाउणी पैंदी सी तो वह आम तौर से चला लैंदे सी, कहिंदे पंजाब दी तो यह गल आ भी जे गड्डी चलाउणी आ यार जाके कहिंदा चलाउण जोगा हो तां जा, पर वह मज़ा जिहड़ा सीगा खावांगे पीवांगे वाला वह पंजाब सरकार ने किसी हद तक फिलहाल किरकिरा करता विआहां दा। तो उदू बाद आ गई नचांगे गावांगे तो भंगड़े पावांगे, वो भाई यूपी जे तुसीं विआह दे कितें जाने हो तो फिर तुहाडी खाधी पीती दा भी कोई फायदा नहीं, उत्थे बेशक कई जने जने मर्जी पैग लाई जाओ तो जदों भंगड़े नहीं पा सकते तो फिर जिहड़े आ उहदा कादा फायदा। यूपी ने विच सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया जारी, पहलां आदित्य नाथ योगी ने स्पीकर वगैरह धार्मिक स्थानों के जिहड़े आ उह बंद कराए सीगे, जिहड़े सवेरे उठ के तड़के अपने पिंडां दे विच हुंदा सीगा पाठी दी जदों पाठी पाठ शुरू करता सी पहली फतेह बुलाउंदा सी उदों पिंडां दे विच पहलां दी गल करिए रिवाज हुंदा सीगा कि तड़के उठ के खेतां नूं लोक चल जांदे सीगे, पर वो सारा कुछ नूं बदल गया, खेत ही नहीं रहे तो खेतों नूं की जाना। तो वो हुण जिहड़ी गल हैगी सी पढ़ाई लिखाई दी कि जॉबां दो दो करदे ने, तो इस करके ये कानून पहलां उन्होंने बनाया सी भी जिहड़ा लाउड स्पीकर है उहदा एक टाइम फिक्स कीता सी उदों पहलां जां बाद दे विच तुसीं नहीं चला सकते डीजे। हुण सुप्रीम कोर्ट कहिंदी जी बैंड वाजा भी नहीं बजा सकते, बैंड वाजा भी नहीं वाज ब्याह बजा बजा सकते, तो हम हिसाब ला लो फिर ब्याह रह कदा गया, वैसे तो चंगी गल है। वो कहते जी प्रदूषण जिहड़ा हैगा आवाज़ का उन्होंने खत्म करने वास्ते ये कानून बनाने जरूरी आ। सो ये काफ़ी लोगों के विच इहदा हैगा कि नो बैंड वाजा होगा। पंजाब की गल करिए दारू सिक्का जिहड़ा वह घट करना पिया, जां नाल इक बंदा वो कहते सोफी रखो जां फिर घर वाली दीआं मिन्नतां करो भी मिन्नत वाली गल आ भैण बन के गड्डी चला ला, ना मिन्नत वाली गल आ गड्डी चला ला, तो जां फिर बच्चे जिहड़े ने जिन्हां कोल लाइसेंस हैगा ये भी गल नाल आ, हुण बच्चा तुसीं चला लो न्याणे गड्डी उद्दे भजाई फिरदे आ ते उहनूं गड्डी फड़ा दिओ तो उहदे कोल लाइसेंस दा निकला चलान फिर भी होणा ही होणा। सो ये बैंडवाजे वाली गल जिहड़ी थोड़ी जी लगी अटपटी भी भाई फिर विआह कादे रह गए, फिर तो ऐं आ भी चुप करके तुरे जाओ, तो जां फिर ऐं करो भाई बैंडवाजे भी नहीं वजाउण देणे, नारे लाउण दी आग्या दे दिओ, नारे लाउण लाड़ा जिंदाबाद फलाना दा जिंदाबाद करके वो नारे नूरे ला के आपदा चाप पूरा कर लैण, होर की आ यही काम हो सकदा। सो ये कुछ खबरां सीगियां। तो गल मैं करन लगा सी संगीतक हस्ती दी भी नाल असीं संगीत नूं जरूर कोशिश करी दी अज दे दिन चाहे थोड़े थोड़े गीत दिखाइए, एक वरायटी जी आ जाती है प्रोग्राम दे विच, ते हर एक दिन वक्री थोड़ी बहुत कोशिश मेरी हुंदी है कोई वरायटी होवे, जिवें मंगलवार को खबरां होंदियां जी बोगली, बुधवार को तुहाडे अपने सुनेहे हुंदे ने, वीरवार को होठी हुंदा, बुधवार को कई अंजान साहब भी हुंदे ने, शुक्रवार को फेसबुक डाकिया हुंदा। सो अलग अलग दिनां च आपां वंड रखे आ। अज दी मैं गल करन लग्गिया सीगा ते अज संगीतक हस्ती जिहड़ी असीं लै रहे हां जिन्हां दे तुहानूं थोड़े बहुत गाने दिखावांगे, वो पंजाब दा कह सकदे आ पर हिंदुस्तान दी मशहूर हस्ती है। जन्मदिन सी उन्हां दा कल, वो भी सौवां सौवां जन्मदिन सी कल 11 दिसंबर 1922 नूं उन्हां दा जन्म होया सी, ते 11 दिसंबर 2022 नूं 100 साल दे उन्हां ने हो जाना सी जे अज हुंदे तां, पर वो गल करिए तां उन्हां दी डैथ भी जिहड़ी कि बड़ा पुराना बड़ा समां नहीं होया, पिछे जिही हजे होई आ 7 जुलाई नूं मुंबई दे विच। मैं अज गल करनी चाहुंदा जी दिलीप कुमार साहब दी। दिलीप कुमार साहब का नाम जिहड़ा तुहानूं पता है वो पुराना नाम उन्हां दा
मुहम्मद यूनस खान उन्हों का पहला नाम सिगा, मुहम्मद यूनस खान। आम तौर पर हुण जिहड़े जा रहे ने फिल्मों के विच वो खान रख रहे ने अपने नाम दे नाल, क्योंकि खान बड़े हिट ने फिल्मों के विच ते पंजाब दे विच मान बड़े हिट ने, ते पर उन्होंने उदो अपना नाम बदल के दिलीप कुमार रख्या है। इन्हां दे पिता जी का कहिंदे वी फ्रूट मरचेंट ही सीगे, ते नाम उन्हां दा जिहड़ा पिता जी का हैगा वो लाल गुलाम सरवर सी, लाल गुलाम सरवर। ये नाम थोड़ा जिहा हिंदू नामां नाल मिलदा लगदा है। फ्रूट मरचेंट सीगे ते इन्हां ने जदों 1922 दे विच पैदा होए आ, फिर ये बॉम्बे आ गए। बॉम्बे दे विच इन्हां ने कंटीन अपनी दिलीप कुमार ने शुरू की थी, कंटीन। एक बॉम्बे टाकीज बड़ी मशहूर है, उहदी जिहड़ी मालकण सी देविका राणी, उन्हें कदे कंटीन ते दिलीप कुमार नूं देखिया। दिलीप कुमार नहीं सी उदों, मुहम्मद यूनस खान सी। उन्हें कहा वी तैनूं फिल्मां 'च कम करना चाहिए। फिल्मां 'च कम उन्हें दवाया भी, आप दी फिल्म दे विच कम कराया करिया, तो हीरो दा रूप करिया। जवाहर पाटा फिल्म जिहड़ी सी 1944 दे विच आई सी, जवाहर पाटा दे विच उन्हां नूं हीरो लिया, पर फिल्म चली नहीं। पर उन्होंने बाद 1948 फिर जुगनू बहुत फिल्म हिट हुई सी, जुगनू फिल्म आई सी बहुत हिट हुई सी। तो देविका राणी ने ही ये कहा सीगा भी तू अपने नाम जिहड़ा हैगा उहदा रख तू दिलीप कुमार। एक किस्म का ये कह सकते दिलीप कुमार का नाम जिहड़ा दिलीप कुमार है मुहम्मद यूनस खान का, वो देविका राणी ने रख्या सीगा। तो उन्होंने बाद दे विच इन्हां नूं होर फिल्मों दे विच भी बड़ा कम दिता। बाद दे विच आपां नूं पता ही है जिहड़े पुराने साडे लिसनर हैगे ने, दर्शक हैगे ने, पुराने पंजाबी कह दीए तां हिंदी फिल्मां बहुत देखियां जांदियां सी, बहुत देखियां जांदियां सी हिंदी फिल्मां। मैं भी लगभग फिल्मां, चलो पंजाबी भी देखते सी, पंजाबी फिल्मां भी हुंदियां सीगियां, पर हिंदी फिल्मां जिन्हां नूं शौक सी बहुत फिल्मां देखते सी। मैं भी जदों एक दिन दे विच चार फिल्मां थिएटर दे विच देखण दा रिकॉर्ड हैगा मेरा भी। ऐतवार नूं छुट्टी हुंदी सी कम तों, तो भी सवेरे नहा धो के निकल जाना पहलां, तो नहा के कल्ले ही रहिंदे हुंदे सी उदों, तो शाम नूं फिर घरे बढ़ना इदां फिल्मां फुल्मां देख के। तो हिंदी फिल्मों का जिन्होंने शौक है दिलीप कुमार नूं भली भां जानते होंगे, बहुत सारिया सुपर डुपर हिट फिल्मां उन्होंने दित्तियां। एक फिल्म जिहड़ी सी नया दौर आई सी, बड़ी मशहूर सी उन्हां दी, नया दौर दे विच बहुत वधिया गाने सी जिहड़े सुपर डुपर हिट, रफ़ी साहब ने गाए सी, लता जी ने भी गाए सीगे, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये भी उहदा गाना सीगा, नाल जे देश है वीर जवानों का, अलबेलो का मस्तानों का। ये गीत तुहाडे नाल सांझा करदे हां जी, उस तो बाद फिर गलबात अगे तुरंगे, नाल नाल तुहाडियां कालां जदों भी आउणियां शुरू हो गईयां ते कालां दा सिलसिला भी शुरू कर लवांगे। इस तो पहलां मनजीत सिंह उहनां दी काल विच आ रही सीगी, ते मैं सुनेहा उहनां दा पहलां देख लिया सीगा, उन्होंने वीडियो भेजिया ने। होर गैस मैं याद करा दवा साडे दर्शकों नूं, गैस स्टेशन जिहड़े रात नूं लुट हुंदे आ, बिना ताले लगे हुए ने, बिना किसी चीज़ तो रिमोट नाल लुट हुंदे सी, इन्हां दा लुट होया। तो उस बाद उन्होंने होर गैस स्टेशनां दीआं वीडियो भेजिया जिहड़े उत्थे के लुट होए ने। ये असीं प्रोग्राम पूरा फुल फ्लैश कर चुके हैं, दोबारा फिर जरूर इस ते प्रोग्राम असीं करांगे अवेयर करन वास्ते। सो भाई गैस स्टेशनां वाले जिहड़े हैगे ने, बेनती करदे आ आपो अपने गैस स्टेशनां हिसाब हिसाब जिहड़ा हैगा वह जरूर ध्यान रखो, देखो परखो। यही असी तो कह सकते हैं, क्योंकि कई बार 200-300-400 लीटर की गल जो चोरी होंगी आ, तो उन्होंने असं चोरी समझते नहीं, उन्होंने समझ लेना भी शायद ट्रकों हवा होगी, पाइपों हवा होगी। सो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखो। हाँ जी, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलो का मस्तानों का, बहुत वधिया गीत। दिलीप कुमार साहब ट्रैजडी कहेंगे, तुम्हें कहा जाता है, और ट्रैजडी का रोल करते करते ये डिप्रैशन आ गया भी यार मैं किहड़े पासे पै गया। तो विआह भी फिर इन्होंने कहिंदे भी काफ़ी देर नहीं कराया, लगभग 44 साल की उम्र के जाके विआह कराया सायरा बानो दे नाल। फिल्म आई सी उहदे च, उदू बाद सायरा बानो दे नाल इन्होंने विआह करारा, अपने तो 22 साल छोटी उम्र की हैगे सी सायरा बानो, अज भी हैगे ने, बड़ा वधिया परिवार इन्हों का सारा चलता सीगा। तो मुगले आजम की असी गल करते हुए, मुगले आजम फिल्म जिहड़ी सी भी सुपर डुपर हुई, और कहा जाता कि एक ऐसी फिल्म है जिहदा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकिया। 15 साल सिनेमे दे विच ये फिल्म लगी रही, 1921 तक इहदा किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़िया सीगा। और फिल्म पता ही है सारे नूं, सलीम का रोल इहदे च कीता सीगा पृथ्वी राज कपूर साहब ने, अकबर का रोल कीता सीगा, मीना कुमारी ने इहदा रोल कीता सी, अपना जिहड़ा प्यार किया तो डरना का गीत हैगा फिल्माया होया राजकुमारी का, जिहड़ी उहना प्यार करदी जिहनूं। तो उदू बाद फिर काफ़ी देर कम करते रहे, फिर जदों कहिंदे भी आ गए होर दिग्गज आ गए
मार्केट के धर्मेंद्र अर्गे, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना तो बाद कहिंदे इन्हां दीआं फिल्मां फिर घट चलनियां शुरू हो गई, इहदे 5-6 साल इन्हां ने काम नहीं करिया। उदू बाद असीं देखिया फिल्मां पिछे जे आईआं काफ़ी इन्हां दीआं जिहड़ियां करैक्टर रोल दे विच, अमिताभ बच्चन नाल भी आई शक्ति, होर भी आईआं सीगीआं, करमा फिल्म एक आई सीगी, तो बहुत सारियां फिल्मां इन्हां दीआं बाद दे विच आईआं। पर पहली फिल्म जिहड़ी सी उह जवार भाटा ही सीगी, तो 1947-48 दे विच जुगनू आई सीगी, उहने फिर पूरे फट्टे कहिंदे जिहनूं चक्के सीगे। तो एक समय कहिंदे वी सब तो वध पैसे लैण वाला दलीप कुमार सीगा फिल्मां दे विच। 60 की गल करिए, 1960 की, 1940 ते 1960 इन्हां दा पीक दौर रहा, 1944 तो लैके ला लो, 1940 तो ला लो, 40 शुरू की सी इन्हां ने एक्टिंग, पर 40 च गल बनी नहीं। 1960 दे विच कहिंदे वी इह 1 लाख रुपया फिल्म का लेंदे सी, जिहड़ा कि उस समय बहुत वड्डी रकम मन्निया जांदा सीगा। कंपेयर करना होवे तो अजकल जे सब तो महंगे हीरो असीं कह दिंदे शाहरुख खान नूं, देखदे अमिताभ बच्चन नूं महा हीरो कहिंदे आ, फिल्मों के धर्मेंद्र नूं साडा एवरग्रीन हीरो कहिंदे आ, पर जे महंगे हीरो की गल करिए तां भारत दे विच सब तो महंगा हीरो रजनीकांत सी। रजनीकांत साउथ फिल्मों का हीरो सी, साउथ फिल्मां हिंदी फिल्मों नूं कितें ज़्यादा वड्डा बिजनेस करदियां ने। सो 50 करोड़ के करीब कहिंदे उन्हें आपदे सुपरहिट समय ते लिया 50 करोड़ रुपया एक फिल्म का। हुण तां भाई सुख नाल पंजाबी फिल्म वाले भी वाह वाह पैसे मंगण लग पे, हीरो हूरो किसी ने गल कर लो, कहानी लिखने वाले करोड़ करोड़ मंगी जाता, हीरो 75-75 लाख, 80-80 लाख मंगी जाते, कुड़ियां मंगी जाए 50-50, 60-60 लाख। तो पहला जदों फिल्मों दौर हों वरिंदर दिल्मों का, उदों मेरे ख्याल 50,000 किन्ना क जा इन्ना क वो तो वीरो हीरोइन में ज़्यादा पैसे मिलते सी, हीरो भी 50 इन्ना की सगा 20 लाख के बहुत सारिया फिल्म जिहड़ियां वो तैयार हुई बन के 20 लाख के इर्द इर्द गिर्द। हुण फिल्मों का बाइट जिहड़ा शो करते बहुत ज़्यादा, और एक रिवाज पै गया कि सबसिडी खानी है फिल्म चले ना चले, इस करके पंजाबी फिल्मों का म्यार असीं देख रहे हैं, हर हफ्ते 2-4 आउंदियां ने ते किधर नूं जांदियां ने ये नहीं पता लगता। पर सोशल मीडिया की गल करिए तो उत्थे करोड़ों रुपया कमा जांदियां ने, करोड़ां कमा गईयां, पहले दिन इन्ना कमा गई, दूजे दिन इन्ना कमा गई, पर वो दसदी जांदियां भी नहीं किहड़े पासों जांदियां ने, किहड़ी मोरी तों निकल के किधर जांदियां ने ये नहीं दसदियां। सो ब्रेक ते जाण तों पहिलां एक गीत मैं होर फिर सांझा कर लैंदा तुहाडे नाल, अज्ज समां थोड़ा जिहा हैगा सीगा, ते गीत उह हैगा ए जिहड़ी फिल्म मुगले आजम की गल कीती है, ताजमहल सी उह च प्रदीप सीगा, मुगले आजम के दिलीप कुमार ने सी जिहड़ी सुपर डुपर फैक्ट फिल्म हुई है, गया गीत इहदा बड़ा हिट होया सीगा, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, बहुत ही सुपर डुपर हिट होया। ताजमहल का गाना वो ज़्यादा मशहूर, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो उहदा गीत वो मशहूर सी। फिल्मां दोनों तकरीबन नेड़े तेड़े सीगियां। अज फिल्मां दी नाल नाल गल कीती है, नाल नाल तुहाडे नाल कालां दे उपर असीं पंजाब दी गल भी करांगे, इधरले मुल्कां दी भी गल करांगे। एक होर खबर जिहड़ी आ बहुत ज़्यादा सरगर्मा, वो मैं सोचता विषय ही रख लीए किसी दिन, कल परसों, चलो नहीं सांझी तो कर ही लवेंगे, बाकी गलबात करनी हुई साढ़े दर्शकों। मनजीत सिंह जी सत श्री अकाल जी, स्वागत है। सत श्री अकाल जगतार सिंह जी। हाँ जी हाँ जी, मैं क्या फोन थोड़ा बड़ा एमरजेंसी बज रहा है, मैं तो फिर बज गए ना, होर भी पंपा बहुत टारगेट का हो रहा सारे पास, इवन न्यूयॉर्क तो भी एक बंदे आया। अच्छा, ओने भी देना बोर कंट्रोल बरत रहा ही, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੁਸ਼ੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਆਕੜਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੰਬਰ ਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਖਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਮਾੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇਢ ਮੀਲ ਸਵਾ ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਰਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਪੰਪ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੋਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੋਰਡ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਪੰਪ ਵੀ ਹੈਕ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ,
अवेयर करते सारिया नूं। ते जे बैक च जिवें होर देखी जिहड़ी तुसीं बाद च वीडियो भेजे गड्डी चिट्टी गड्डी उहदां च होई है सारिया च। तू ला ला पुलिस वाले मैं खुद अज मेरी रिपोर्ट बनाई सी ਉਹ ਕਈ ਜਾਣ ਟੈਗ ਨੰਬਰ ਨੀ ਮਿਲ ਟੈਗ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਹਨਾ ਏਦਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੈਗ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਕਰੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਤਲਬ 3-4 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਮੋਹਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਤ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਛੋਟਾ ਸੀ 2000 ਗੈਲਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਿਆ ਨੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਈਸਟਕੋਟ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਕਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸ਼ੀਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦਾ ਉਹਦੀ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਨੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਮੋਹਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਸਪਾਟ ਰੱਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਵੇਅਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ 30 ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਲਵਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੀ ਟੈਂਕਰ ਟੂੰਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਉਠਾਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਲੀਆਂ ਫੂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੇ ਸੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਆਏ ਦੂਜੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਬ ਬਣਿਆ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਵਾਬ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਪੂਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੂਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਨੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਬਾਸ਼ ਗਈ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਸਿੰਘਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਨਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੁਭਾਅ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੇਠ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੁੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਲੋ ਇਹ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ, ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ 4 ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, 4 ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ NDP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਿਸ ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਯਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਲਮਕਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਅਜੀਤ, ਅਜੀਤ ਵਿਲਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜੀਤ, ਅਜੀਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਯਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ GR ਚੋਪੜਾ, ਯਸ਼ਰਾਜ ਚੋਪੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗਾ ਚੜਾਇਆ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਜੰਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪ ਸੁਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਆਪ ਟਾਂਗਾ ਚੜਾਉਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ
क्योंकि मधुबाला का फादर हर गल लत्ता उड़ा ही रहता यही गल दिलीप कुमार साहब पसंद जी एक्टिंग जी ना एक्टिंग जी दिलीप कुमार साली कोई नहीं मुगले आजू मेरे फादर साहब जो लगी अपने इंडिया मेरे फादर उन्होंने तीन तीन दिन पहले पहला ही बिस्तरे बछा के बैठ गए अच्छा जी क्या बात है कहते भी बहुत बड़ी फिल्म लगन जा रही है क्योंकि देखो सऊदी अरब का टीका आया थी चीन तो भी बड़े काफी ऑफिशियल आए थी बिल्कुल सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू आप गया थी उसे देखन इस फिल्म नू स्टेजफ ने तो आप जेड़े जेड़े महल बनाए ना असली महल बनाए चलो मेहरबानी जी बहुत वधिया ज्यादा ओके जी बहुत मेहरबानी डॉक्टर रशपाल सिंह जी बाजवा साहब सत श्री अकाल जी स्वागत है जी हाँ जी हाँ जी सत श्री अकाल जी डॉक्टर जी सर एक तो स्टूडेंट मिले सी तुहाडे कमलजीत सिंह मान हाँ जी हाँ जी भाई एंटन हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो अपने समा थोड़ा बाकी गल कर दे जी हाँ हुण टाइम है कि नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं करो है टाइम मैं दसने सी जिहड़ी तुसीं आ ठंड लाउण वाली गल कही है ना जी इहदा वाकई बहुत ध्यान रखण दी लोड़ है जी क्योंकि मैनू आप भी लग गई है हाँ जी साढ़े इतने तीन चार बंद जान पछाण गल हुई है होर की हाल है बस यार कोविड जहा हो गया सी हाँ इतने इतने काफ़ी लोगों नू हैगी है यार दोस्तों और जी मैं गल दसदा जो दूजे तीजे दिन तक तुहानू बुखार या दूजा है तो डॉक्टर कोल जरूर जाओ तो वह अजक अद्धे घंटे जी तीन चार क्विक टेस्ट कर देंगे अच्छा जी पर जे अपॉइंटमेंट की गल करते हैं वो कहते भी जे तुहानू बुखार है खंघ है तो तुसी फिर फिजिकल अपॉइंटमेंट ना बनाओ नहीं उन्होंने मैं गया सी अजकल बहुत सारे डॉक्टर ने जो उनका कोविड होया एक पिछले पासे उन्होंने एंट्री बना के एक दो रूम का यूनिट ही सैपरेट करता हाँ जी नहीं जो प्राइमरी डॉक्टर है हाँ हाँ प्राइमरी की गल ही करता हाँ जी पर उन्होंने को भी स्ट्रेप थ्रोट इनफ्लुएंजा दूजा वायरस कोविड वो टेस्ट कर देंगे ठीक है जी सो मैं इन बाद मैं होर एक गल दसनी चाहना जी कई बार जो अपना रनी नोज हो जाता दूजा तो आप जो टिशू पेपर बहुत यूज करते हाँ जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸਕਰੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਥਰੂ ਪੂੰਜਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨੱਕ ਪੂੰਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੀਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੂਅਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਢੇਰ ਗਾਰਬੇਜ ਡੰਪ ਦੂਜੇ ਗਾਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲ ਈਵਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ